वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीकी के 10 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइडोमीटर। क्वेश्चन नंबर टू, एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं और इस जहाज में विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यात्रा करता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर तीन, रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर फोर, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे में, पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर छः, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? यदि आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो हमने एक दिन पूरे राज्य के राज्य राजधानी को आपको बताया था। आंसर बहुत है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों, आपके फ़ोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सेवन, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर एट, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। क्वेश्चन नंबर नाइन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर टेन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन फॉर यू, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? आप इसका राइट आंसर कमेंट करिए। यदि आप जानते हो कि दांडी मार्च कब हुआ था वह भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्यू फॉर यू लिख करके। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कर दिए तो धन्यवाद। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, या यदि आप हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो हिस्ट्री के लिए
एक विशेष एपिसोड चल रहा है जिसे देख करके आप हिस्ट्री को अच्छे कर सकते हैं। ज्योग्राफी के एपिसोड चल रहा है, पॉलिटी प्लस सिविक्स का एपिसोड चल रहा है, साइंस के एपिसोड चल रहा है, करेंट अफेयर्स प्लस 25-25 वाले सीरीज चल रहा है। यदि ये इस सभी को हमारे वीडियो जो भी अभी के डेट में हमारे चैनल पे जो अपलोड हो रहे हैं उसे आप नियमित देखते हैं तो आपके 1 से 2 महीने में GK GS बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ये खुद भरोसा करने वाली बात है, आप देखोगे समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होता है जो आपके सिलेबस से नहीं हो। आपको पूछे गए जाने की संभावना जिसमें बनता है वही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, हमारी टीम लेकर के आती है। इसलिए आप रेगुलर रहो, देखो। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।